पटना का खर्चा कितना है हम आना चाहते हैं। देखिए आपको मिनिमम लगेगा, मैक्सिमम आपको कितना लगा दीजिए। आप अगर खुद से खाना बनाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल महंगा होता है, आपका लगता है तो 5,000 हो जाएगा। पटना का खर्चा कितना है हम आना चाहते हैं। देखिए आपको मिनिमम लगेगा 3,500 से 4,000, मैक्सिमम आपको कितना लगा दीजिए। आप अगर खुद से खाना बनाएंगे तो 4,000 मान के चलिए 3,500, और अगर आप उससे ज्यादा रहना चाहते हैं तो आप यहाँ 10,000 उड़ा दीजिए, 15,000 लगा दीजिए, कोई नहीं है। यहाँ आपको 1,500 से 2,000 का रूम मिलेगा। क्या बात करता है, एक बेड का बात करे तो पूरा रूम का ले रहा है। हाँ 2,200 है, हाँ हाँ वही ले लो जो भी हो, 4,000 मोटा मोटी मान के रखो। आप आओ, आपका लगता है तो 5,000 हो जाएगा, लड़का सबका कम लगता है, लड़के लोगों का कम लगता है खर्चा, गर्ल्स हॉस्टल महंगा होता है, समझ आ गया कि नहीं। बॉयज थोड़ा सा क्या होता है, सस्ता पड़ता है, गर्ल्स का हमेशा से क्या रहा है मांगा, क्योंकि इसमें सेफ्टी देखो, सिक्योरिटी देखो, दूसरा तो आप व्यवस्था देखो, क्योंकि बार बार कहेगी से ये नहीं है वो नहीं है, लड़का सबका पानी है नहीं है पी के चल दिया यहाँ पे, लड़का कहेगा टंकी साफ कराइए तू कह देगा खाली करो तनी कहो ना घर मकान में जाओ यहाँ से खाली करके जाओ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, घर में पैसा है तो पटना आओ, नहीं है तो मत आओ, ठीक है। ज्यादा पैसा वैसा यहाँ अगर लग रहा है आपका जरूरत से ज्यादा पैसा तो आप समझ, अगर 5,000 लिमिट जा रहा है, अगर एडमिशन ले रहे हैं ये सब चीज जो फिक्स कॉस्ट है उसको छोड़कर, जैसे आप कहीं एडमिशन ही ले लिए तो पैसा जेन्युइन पैसा है वहां पर, आप कहीं बीमार पड़ गए उसका इलाज करा दिए वो तो एक फिक्स है, उसको हटा के अगर 5,000 क्रॉस कर रहे हैं लड़का लोग तो खतरे की घंटी है। गर्ल्स अगर हॉस्टल में है तो 5,000 तो हॉस्टल वाला ले लिया, समझ आ गया, तो उसका तो बातें अलग है, वो तो पूरा सीधे ले लेता है आपको, वो अलग है। लेकिन बॉयज अगर अपने से बना रहे हैं और अपना सिंगल अपना बेड लिए हुए हैं और अपने से खाना बना रहे हैं और 5 क्रॉस कर रहा है, मतलब आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। जितना कम पैसा खर्चा कीजिएगा उतना ज्यादा सही है, इसका मतलब है कि आप बाहर कम घूम रहे हैं, बाहर निकले चल चाय पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं,